बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का दही चाप मसाला की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में मैंने मटन चाप को अच्छे से धो के छलनी में डाल दिया था और इसका पानी सारा निकल चुका है। तब सबसे पहले स्टेप में मैंने इसको मैरिनेट करना है। तो एक खुले बर्तन में मैंने सबसे पहले 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया, 1 खाने का चम्मच नमक शामिल किया। अब थोड़ा सा नमक मजीद जाएगा, लेकिन आगे चल के 1 खाने का चम्मच जो है हल्दी शामिल कर दी है, और सुरख मिर्च भी मैंने 1 ही खाने का चम्मच शामिल किया है। मिर्च आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ 2 खाने के चम्मच पेपरिका पाउडर शामिल किया है। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर हो तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। इसको सिर्फ अच्छे कलर के लिए शामिल किया जाता है। अगर आपके पास ना हो तो इसको चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पिसा हुआ शामिल किया, और इसके साथ 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया मैंने शामिल किया। इसके साथ शामिल कर देंगे दही, जो कि 500 ग्राम है। यहाँ पे 400 ग्राम मैंने स्टार्ट में शामिल की थी मैरिनेट करते हुए, और 100 ग्राम हमने आगे चल के शामिल की थी। सब तमाम मसालों के साथ दही को अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद ये चांपें जो हैं ये मैंने इसमें शामिल करनी है। चम्मच की मदद से अच्छे से मैंने मिक्स करना है, ताकि तमाम मसाला जो है ये चांपों के ऊपर अच्छे से लग जाए। तो यहाँ पे ये खुले बर्तन का आपने इंतखाब करना है, क्योंकि खुले बर्तन से ये बहुत अच्छे से मिक्सिंग होगी। अगर तंग बर्तन होगा ना तो फिर मिक्सिंग में बहुत मुश्किल हो जाएगी। और आप चाहें तो हाथों की मदद से भी मिक्स कर लें, जैसे आपको आसानी लग गए। अच्छे से मिक्स करना है इसको, और उसके बाद इसको चाहें तो ओवरनाइट रख दें, लेकिन मैंने तकरीबन 1.5 घंटे के लिए इसको कवर करके रख दिया था साइड पर। आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। एक प्रेशर कुकर में मैंने शामिल कर दिया 1 कप कुकिंग ऑयल। आप घी में भी इसको बना सकते हैं। और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो 250 ग्राम यानी कि 1 पाव प्याज मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस में कटी हुई शामिल कर दी है। और दरमियानी आग पे प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। कोरमा, बिरयानी या फिर कोई खास डिश जब भी आप बना रहे हो ना, तो प्याज की जो फ्राइंग होती है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर प्याज तेज़ आग पे आप फ्राई करेंगे तो वो जल्दी कलर आ जाएगा और जल जाती है प्याज, फिर बाद में जो ग्रेवी का कलर होता है ना बहुत ज़्यादा डार्क अजीब सा हो जाता है। तो यहाँ पर दरमियानी आग पर देख सकते हैं प्यारा सा कलर आ चुका है। और इस स्टेज पर जब प्याज पहुँच जाए ना, उसके बाद आपने छोड़ना नहीं है। यहाँ पर हम मुसलसल चम्मच से करते जाएंगे, और इसी स्टेज में मैं इसको निकाल लूँगी। और इसी स्टेज पे हमने प्याज को निकाल लेना है। थोड़ी सी प्याज मैं रहने दूंगी, और बाकी प्याज सारी मैं निकाल के एक पेपर के ऊपर फैला दूंगी, ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पे चूल्हे की आंच मैंने बंद कर दी थी, क्योंकि जो ऑयल है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई है इसका टेम्परेचर। और कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1 चाय का चम्मच शाहजीरा शामिल किया है, 2 तेज़पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 बड़ी इलायची, सॉरी काली मिर्च, लौंग शामिल किए 8 से 10, और 4 अदद हरी इलायची शामिल किए। थोड़ी देर तक फ्राई करने के बाद ये मैरिनेट की हुई चांपें जो हैं ये मैंने इसमें शामिल करनी है। और साथ ही यहाँ पे चूल्हा मैंने ऑन कर दिया था, लेकिन चूल्हे की आंच मैंने हल्की रखी है, क्योंकि दही जब भी आप शामिल करें मसाले में तो स्टार्ट का जो 1 मिनट है ना वो आप हल्की आंच कर दें, क्योंकि बाजू का दही हाई टेम्परेचर पे अगर आप डालते हैं तो दही फट जाती है, दही की फुटकियाँ बन जाती है, और फिर बिल्कुल भी दिखने में अच्छी नहीं लगती ग्रेवी। तो यहाँ पे ये चांप और दही डालने के बाद मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसकी भुनाई की, और जैसे जैसे पकती जा रही है ना, दही ने भी अपना काफ़ी पानी छोड़ा है, और इसके साथ जो चांपे हैं इनका भी पानी निकला है। तो 5 से 7 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। और यहाँ पर 100 ग्राम दही मैंने मज़ीद शामिल की थी। टोटल 500 ग्राम मैंने दही इसमें इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे 5-7 मिनट पकाने के बाद 1 कप मैंने मज़ीद पानी शामिल किया है, और प्रेशर को बंद कर देंगे। प्रेशर बंद करने के बाद चूल्हे की आंच मैंने थोड़ी सी तेज़ कर देनी है। जब इसकी विसल बजना स्टार्ट होगी प्रेशर की, तो उसके बाद 10 से 12 मिनट तक मैंने इसको प्रेशर कुक करना है। तो यहाँ पर जब तक हमारी चांपें गल रही हैं, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। और 10 से 12 मैंने काजू लिए हैं, और 2 खाने के चम्मच मैंने हश लिए। इससे बहुत अच्छी स्मूथ ग्रेवी बनेगी। अगर आपके पास काजू ना हो तो इसकी जगह बादाम ले सकते हैं, खरबूजे के बीज ले सकते हैं, तिल भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है तो आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, फिर भी आपकी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। बहरहाल यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को 1/2 कप पानी मैंने ब्लेंडर में डाल के तो बिल्कुल स्मूथ इनका पेस्ट बना लेना है। पानी लाजमी जाएगा, क्योंकि अगर पानी आपने शामिल ना किया तो खशखाश जो है इसका पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। 2 से 3 मिनट तक हमने मशीन को चला के इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेना है।
दूसरी तरफ 12 मिनट गुजर चुके हैं, प्रेशर कुक हो चुकी है हमारी चांपें ज़बरदस्त किस्म की। उसके बाद सारी इसकी हीट निकालने के बाद मैंने इसका वेट हटाया और ढक्कन हटाया, तो माशाल्लाह से यहाँ पे चांपें बहुत अच्छे से गल चुकी हैं और पानी आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा बहुत ही बचा है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं है इसमें। अब यहाँ पर चूल्हे की आँच मैंने ऑन कर दी है और यहाँ पर इसको इसकी भुनाई स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही जो वो हमने पेस्ट बना के रखा था ना, ये भी साथ ही शामिल कर देंगे और देखिएगा आपके ये पेस्ट शामिल करने के बाद कितना प्यारा सा कलर आएगा और इसकी जो ग्रेवी बाद में बनेगी ना, बहुत ही सिल्की स्मूथ ग्रेवी माशाल्लाह से तैयार होगी। तो जैसे ही हमने मिक्सिंग की है और ग्रेवी आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म की इसकी तैयार हुई है और यहाँ पे ना इसकी तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छी सी बुनाई करनी है ताकि इसकी जो ग्रेवी है ना ये बहुत दानेदार थी ज़बरदस्त सी तैयार हो जाए। और तकरीबन यहाँ पे 5 से 7 मिनट तक इसकी अच्छी सी भुनाई हो चुकी है, ऑयल इसका बाहर आ चुका है। इस स्टेज पे मैंने इसमें शामिल किया 1 खाने का चम्मच कोरमा मसाला, किसी भी ब्रांड का आप शामिल करें, कोई भी मीट मसाला जो है वो आप इसमें शामिल करें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसे। और अगर आपके पास कोई मीट मसाला नहीं है तो इसकी जगह जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 चम्मच शामिल करें, साथ 1/2 चम्मच मैंने गर्म मसाला शामिल किया और 1.5 कप मैंने गर्म पानी शामिल किया। जब भी आप किसी चीज़ की ग्रेवी बनाएं ना तो कोशिश करें कि गर्म पानी आप शामिल करें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, साथ ही साथ मैंने तकरीबन 4 अदद हरी मिर्चें शामिल करनी है और हरी मिर्चें जो है ना ये एंड पे डालिएगा, बहुत अच्छा ज़बरदस्त जायका इनका आता है। उसके बाद ढक्कन से कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट पे तक मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको छोड़ देना है। 10 से 12 मिनट के बाद माशाल्लाह से यहाँ पर ग्रेवी जो है ना बड़ी ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर हरा धनिया थोड़ा सा मैं डाल दूँगी इसमें और बिल्कुल तैयार आई है हमारी ग्रेवी। अगर आपने इसकी ग्रेवी कम बनानी है तो इसका जो पानी है ना इसको मज़ीद खुश कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी इसकी ग्रेवी भी चाहिए थी। साथ यहाँ पे माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का हमारा दही चाम मसाला या फिर इसको चाम का सालन बोल सकते हैं ज़बरदस्त तैयार हो गया है। इसको आप हमीरी रोटी के साथ खाएं, बहुत कमाल का टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हमीरी रोटियाँ गरम गरम आ चुकी हैं और साथ हमारा जो चाम का सालन है ये भी तैयार है और यहाँ पे गोश्त देख सकते हैं बहुत अच्छा सा माशाल्लाह से गल चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, किसी भी दावत के लिए परफेक्ट आइडिया, आप इसको बना के तो अपने मेहमानों से दाद वसूल कर सकते हैं। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, यमान अल्लाह।